तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, जो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड सारे टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ, तो अगर आपने उन चीजों को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? तो इसमें क्या रहा है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जो टेंडेंसी होता है किसी भी एटम का, वो अटैक करता है शेयर पेयर पे इलेक्ट्रॉन के किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड पे। एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, जैसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें तो हाइड्रोजन पे आपको पता है कि प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, तो ये अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन, यानी क्लोरीन के पास काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द क्लोरीन। क्लियर? अब यहाँ पे एक पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट मीन्स ई एन इज अ रिलेटिव वैल्यू एंड इट हैज नो यूनिट, यानी इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस होता है। कुछ फैक्टर्स है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करते हैं, जैसे साइज ऑफ एटम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो आपका नेगेटिविटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। अगर साइज बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। अगर साइज घटेगा तो ये बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें एक फिगर के अकॉर्डिंग बताई गई है। यहाँ पे कुछ और भी है, जैसे न्यूक्लियर चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन। जैसे यहाँ पे ये क्या होता है, ये बढ़ेगा, यानी ये प्रोपोर्शनल होता है प्रोटॉन के। ओके, अगला है चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन के चार्ज पे ये डिपेंड करता है, ये आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैटायन पे। अगर चार्ज बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अगला है आपका चार्ज ऑन अनायन, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर चार्ज ऑफ अनायन क्या होंगे, बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, अगर चार्ज ऑफ एनायन घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद आपका आता है हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे sp greater than sp2 greater than sp3, तो यहाँ पे 50% 33% 25%, तो परसेंटेज ऑफ ये क्या होगा, अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ओके, उसके बाद इसी में आता है ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। जैसे पीरियोडिक L2R, तो यहाँ पे EN क्या होगा, बढ़ेगा, एज यहाँ पे NC on atom greater than and EN greater than। जैसे यहाँ पे लिथियम की हम बात करें, और ब्रोन की बात करें, बेरिलियम की बात करें, कार्बन की बात करें, आपका जो आपका नाइट्रोजन होता है उसकी बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, फ्लोरीन की बात करें, तो ये सारी चीजें वो उसके अकॉर्डिंग फॉलो करता है उन रूल्स को, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगला इसी के अंदर आता है टॉप डाउन, डाउन द ग्रुप, यानी ग्रुप को डाउन करने की वजह से अगर ये आपका साइज घटेगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नोबल गैस इज जीरो बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड, यानी ये कंपाउंड का निर्माण नहीं करता। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए यूज होती हैं। पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि न्यूमरिकलेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड, यानी बाइनरी कंपाउंड के न्यूमरिकलेचर में ये क्या होता है, मदद करता है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका PCl3 के लिए भी है, यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को देख लिया, सारी चीज़ें इसके अंदर कवर अप हो गई, नोट्स को आप बना लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।